आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये मेरे जीवन का खजाना है, ये सारी चीज़ें, ये सारी किताबें, यही मेरी है जीवन की साथी। आपके समक्ष मैं जो भी हूँ, ये सारी किताबों की वजह से हूँ और मेरे भाई की वजह से, जो मेरे भाई ने हमेशा मुझे कहा है कि मैं बहुत कुछ जीवन में अच्छा कर सकती हूँ, मैं बहुत कुछ जीवन में अच्छा करके किसी का अच्छा भी कर सकती हूँ। मेरा भाई मुझे बहुत बड़ी सीख देकर गया है, आज इस दुनिया में नहीं है, मैं उसे बहुत ही मिस करती हूँ और हमेशा मैं उसको बहुत ही थैंकफुल हूँ। एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल दैट आई गॉट माई ब्रदर। और जितने भी साल, जितना भी पल हमने साथ में बिताए हैं, वो सभी के लिए मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। सभी को ऐसा भाई मिलना चाहिए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही समझदार, और मुझे बहुत ही इंस्पायर्ड करता था वो। वो हमेशा तकलीफ में रहता था लेकिन फिर भी कहता था कि जाने दो ना, सब ठीक हो जाएगा। तो उसकी ये सारी चीज़ों की वजह से मैं बहुत परेशान होती थी। वो मुझे कहता था, आप खामा खा बहुत सारे टेंशन लेते हो, आपको इतनी नॉलेज है, आपको इतनी समझ है, फिर आप मेरी वजह से क्यों इतने परेशान हो रहे हो। तो मैं उसे कहती थी कि तू मेरी जान है, तू मेरा बच्चा है, और तू परेशान होगा तो मैं कैसे खुश रह पाऊंगी। और बस ऐसे ही हम दोनों भाई बहन की बातें होती थी। लेकिन उसने मुझे कहा था कि मैं खुश नसीब हूँ जो मुझे आपकी जैसी बहन मिली है, जो हर बार मुझे समझाती है। आप लोगों को समझाना क्यों शुरू नहीं करती है, आप लोगों के साथ में बात कीजिए, आप कंसल्टेंसी कीजिए, आप क्यों पब्लिक स्पीकिंग क्यों नहीं चालू करती है, क्योंकि आप बहुत लोगों के जीवन में फर्क ला सकती है। तो यही एक वजह है जो आपके समक्ष मैं अपने आप को ले आई हूँ। मेरा भाई जो है उसको मैं सारी क्रेडिट देती हूँ। शायद आज जिंदा होता था तो बहुत ही खुश होता था कि मेरी बहन ने जो वो चाहता था वो किया हुआ है, बहुत खुश होता था। आई मिस हिम अ लॉट। अगर आपको आपके जीवन में कोई ऐसी इंस्पिरेशन दे रहा है, आपको कोई बूस्टिंग कर रहा है, आपको कोई एनकरेज कर रहा है कुछ करने के लिए, तो आप फौरन उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने जीवन में उसको उतारिए और अपने जीवन का सदुपयोग कीजिए। क्योंकि जीवन में बहुत ही कम मौके मिलते हैं जब भी आपको कोई नसीहत देता है, आपको कोई एडवाइस करता है, या आपको कोई कुछ समझाता है, या फिर आपको कोई एनकरेज करता है, या फिर आपको कोई बूस्ट करता है कुछ करने के लिए। तो मैं डॉली क्रिस्टी आप सभी लोगों को जीवन जीने के बारे में बता रही हूँ, खुश होने के बारे में बता रही हूँ। खुश हो जाइए और जीवन को खुशहाल बनाइए। प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स हमसे ज़्यादा बड़ी नहीं है, हमारे जीवन से ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो हमारे जीवन को इम्पोर्टेंस दीजिए। जब भी हम जो चीज़ में फोकस करेंगे वो चीज़ें मल्टीप्लाई होने लगेगी। अगर आप प्रॉब्लम को फोकस कर रहे हो तो वो चीज़ें, वो प्रॉब्लम्स जो है वो मल्टीप्लाई होने लगेगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रॉब्लम्स को इतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए। उसमें से आप बाहर कैसे निकल सकते हैं ये इसके बारे में सोचिए, और उसके बारे में सोचिए जो आपसे कम फॉर्चुनेट जो लोग हैं उनके बारे में सोचिए कि वो लोग क्या करते होंगे। आपको जीवन मिला है, आपको समझ मिली है, और मैं कुछ समझा रही हूँ, अगर आपकी समझ में आ रहा है तो आप जीवन को कुछ अलग जगह पे, अलग दिशा में ले जाइए। आप जीवन को पॉजिटिविटी में ले जाइए, अपने जीवन को आप मौका दीजिए, अपने जीवन को समझने के लिए आपको बहुत सारे मौके मिले हैं लेकिन आपने गंवाया है। तो आपसे एक बात करती हूँ कि अपने जीवन को समझने की कोशिश करें, प्रॉब्लम्स को फोकस मत कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो आते जाते रहते हैं, प्रॉब्लम्स को फोकस करेंगे तो वो ज़्यादा आपको परेशान करेंगे। तो आप खुश रहने की कोशिश करें, नॉर्मल रहिए, और अंडरस्टैंडिंग अगर आपके अंदर है तो सारी प्रॉब्लम्स आपकी चली जाएगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।